नमस्कार, आप देख रहे हैं पल पल। हरियाणा के मुख्य सचिव केशनी आनंद अरोड़ा ने हरियाणा सिविल सचिवालय से एनसीसी के स्थापना दिवस पर बेटियों को समर्पित करते हुए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत जागरूक करने के लिए एनसीसी कैंडिडेट की साइकिल रैली की झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर उन्होंने साइकिल रैली में शामिल एनसीसी कैंडिडेट को 5,000 रुपये प्रोत्साहन स्वरूप देने की घोषणा की और उन्होंने कहा कि एनसीसी की स्थापना वर्ष 1948 में हुई थी और आज यह लगभग 15 लाख कैंडिडेट के साथ विश्व की सबसे बड़ा वर्दीधारी संगठन है। यह युवाओं को एकता एवं अनुशासन पर चलते हुए राष्ट्रीय की एकता एवं अनुशासन, धर्मनिरपेक्षता और आपसी भाईचारे को बनाते हुए समाज सेवा में अक्सर रहने का संदेश देता है और युवाओं को सशस्त्र सेनाओं में अपना कैरियर बनाने के लिए भी प्रेरित करता है। उन्होंने कहा कि इस अवसर पर उन्हें अत्यंत हर्ष व गर्व हो रहा है कि एनसीसी कैंडिडेट बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जागरूकता रैली में भाग ले रहे हैं और अपने अथक परिश्रम से प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि एनसीसी संगठन मानवता की सेवा करने के साथ साथ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने में अपनी भागीदारी दे और देश व प्रदेश में ज्ञान का प्रकाश करे। कार्यक्रम के दौरान एनसीसी के ग्रुप कमांडर ब्रिगेडियर राजेश्वर सिंह ने बताया कि प्रदेश में लगभग 15,000 एनसीसी कैंडिडेट हैं, जिनमें से 6,000 गर्ल्स कैंडिडेट हैं और इनमें से 4,000 लड़कियां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में प्रत्यक्ष रूप से अपना योगदान दे रही हैं। ये लड़कियां विभिन्न जागरूकता रैलियों और पंचायतों में जाकर पंचों से वार्तालाप कर बेटियों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही हैं। इस अवसर पर मुख्य सचिव ने एनसीसी की परंपरा के अनुसार कैंडिडेट को मिठाई भेंट की और उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। और इसी के साथ देखते रहिए पल पल की ये खास खबर। आज एनसीसी डे है और आज एनसीसी कैडेट्स बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जागरूकता कैंपेन करने के लिए साइकिल रैली कर रहे हैं। हरियाणा ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे बहुत कार्य किया है, बहुत मेहनत हुई है और हम बहुत आगे बढ़े हैं। आई थिंक देश भर में हम पहले स्थान पे आ रहे हैं इसकी प्रोग्रेस पे और हमें विश्वास है कि हमारी बेटियाँ बहुत आगे बढ़ेंगी और बहुत ही अच्छे अच्छे पदों पर पहुँचेंगी और सामाजिक कुरीतियों को जो भी सामाजिक प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करेंगी। इनफैक्ट सेक्रेटरी हायर एजुकेशन ने जो बच्चों ने साइकिल रैली की है उनको 5,000 रुपया का इनाम आज घोषित किया।